तो आज हमारा लास्ट डे है वृंदावन में और मेरे बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, तो फाइनली हम निकल दिए हैं सब में पहले सुबह उठते सी बिहारी जी के दर्शन करने। फिर यहाँ से हमने बिहारी जी के लिए प्रसाद खरीदा, तुलसी माला फूल माला भी खरीदी। फिर हम पहुँच गए मंदिर के अंदर, जो कि यहाँ बहुत हमेशा ही भीड़ रहती है, इससे भी ज़्यादा रहती है, कम है। यहाँ पर हमने होली खेली, होली खेलने में बहुत मज़ा आया। फिर मुझे शौक चढ़ा ये मेहंदी लगवाने का, या ना ये मेहंदी बचपन में लगवाते थे तो अभी दिख गई तो मैंने लगवा ली। बहुत अच्छी लगती है ये वाली मेहंदी, पर धुलने में पूरी निकल जाती है। फिर मैंने मेरी दोस्त के लिए मेरे लिए खरीदी श्रीमद् भागवत गीता। फिर निकल दिए हम, देख लो कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सूर्योदय मंदिर, नहीं सॉरी सूर्योदय नहीं, ये चंद्रोदय मंदिर है जो कि नया बन रहा है। चंद्रोदय एस्कॉन मंदिर इसको बोलते हैं। ये ना लंबाई में ना वर्ल्ड लार्जेस्ट मंदिर बन रहा था, लेकिन अभी कुछ इशू के कारण इसमें रोक लगा दी गई है। अब मुझे नहीं पता इतना सब क्यों लगा दी गई है तो, लेकिन ये बहुत अंदर है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। ये इसका मॉडल देख लो, समझ में आ जाएगा कितना ज़्यादा ही खूबसूरत है। ये सेम डिट्टो ऐसे ही है, लेकिन ये इतना अंदर है ना, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते आपकी हालत ऐसी हो जाएगी। अगर आप पहले दिन, इसके पहले दिन एस्कॉन मंदिर में डांस किए हो तो यहाँ आओगे तो ऐसी ही हालत हो जाएगी। देख लो भाई, यहाँ पर भगवान जी के दर्शन किए, ऑब्वियसली बात है मंदिर में भगवान जी के ही होंगे दर्शन। फिर हमने प्रसाद खाया और हम निकल दिए पागल बाबा के मंदिर। और ये रहे पागल बाबा, इनके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो इनको पागल बाबा कहा जाता है, जो कि आप वृंदावन जाओगे तो पता चलेगा, मुझे भी पता है वैसे तो। हम जा रहे हैं रेस लगाएंगे, ये नहीं मैं, ये और ये, पहले कौन पहुंचेगा देखते हैं। चलो yes! अभी मैं सब में ऊपर हूँ टॉप फ्लोर पे और फर्स्ट में आई हूँ। सेकंड जे आ गए, जय श्री राधे श्याम। और थर्ड नहीं, थर्ड वाले को भी देखो। तेज हम लोग ऊपर आए, व्यू देखो भाई। तो भाई पता है ये 8 फ्लोर तक हमने रेस लगाई और मैं जीत गई। व्यू बाद में देखना, पहले मेरी मम्मी को देखो, ये बेचारी, इनको इतना ऊपर चढ़ना नहीं था तो नीचे से ही हमको देख रही थी जूम करके। और ये अब देखो क्या खूबसूरत व्यू है इसका, हम पहले ऊपर नहीं आ रहे थे। अगर आप पागल बाबा के मंदिर जा रहे हो ना तो 8 फ्लोर टॉप फ्लोर पर जरूर जाना, तब मज़ा आएगा। तो ये मैं जीत गई थी तो इनने मुझे लस्सी पिलाई, ये हारे लोग हार गए थे मुझे। हाँ ये गरीब लोग हैं, दूध पी रहे हैं भैया, थक गए हैं हम लोग बहुत भूख तरीके से, तो दूध पीना पड़ रहा है। और जीते हुए हार गए हैं, हमें मतलब हारने के कारण इसको लस्सी पिलानी पड़ रही है और हम थक गए हैं, हम अपनी थकान मिटाने के लिए दूध पी रहे हैं। और मैं जीतने की खुशी में लस्सी बहन लस्सी पी रही हूँ। फिर बालाजी के मंदिर में रखी हुई इस गदा के हमने दर्शन करे, जो कि सोने की है और मोदी जी ने से भेंट की है। फिर हमने यहाँ पर जो है समाधि स्थल पे दर्शन करे। तो गाइस आज हमारा आखिरी दिन है वृंदावन में, लास्ट बट नॉट लीस्ट। अब हम बहुत दुखी हो रहे हैं, घर जाना पड़ेगा। वृंदावन छोड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, यहाँ आओ तो ऐसा लगता है बस यहीं बस जाओ, पर क्या करें, जाना पड़ती है, मजबूरी है। मजबूरी का नाम घर वाले, वो भी मेरे घर वाले। तो अब मिलते हैं भोपाल में, बाय बाय, राधे राधे।